पानी जब सुबह से आ रहे थे ना, तो हम लोग कह रहे थे इतना ज्यादा नहीं, कुछ सामान भी हम नहीं निकालते, लोग कह रहे थे इतना ज्यादा नहीं आएंगे, नो बस फिर अचानक इतना ज्यादा बढ़ गए, तो बस अपने जान बचा अपने बच्चे को लेकर भागे। पानी में भैंसे बैठी आ रही है, चारपाइयाँ सामान वगैरह बहुत ज़्यादा, तो फिर लोग निकले नहीं, तो कोई भी सब कह रहे थे कि ये बारिश का पानी है, कोई वो उधर फौजी बेचारे खड़े थे, अगर वो ना होते तो बेशक हम लोग भी पानी में आ जाते। अहमदाबाद से वापसी पे मेरी अम्मी अकेली बैठी और पराए कपड़ों में भाई छोटे कुछ पानी अंदर आ गया, तो हम नहीं ख्याल में भी नहीं था कि ये पानी इतना बढ़ जाएगा, लेकिन हम पानी को बाहर वो बाल्टी वगैरह में डाल देते और बाहर फेंक रहे थे, हम नहीं निकल रहे थे, हमने कहा कि ये सब कुछ हम कैसे छोड़ेंगे। ये मेरा घर है, मैं विधवा हूँ, मेरा बेटा नहीं है, शोहर नहीं है, चार बेटी है, तीन शादीशुदा, एक हमारा पास है, और कोई नहीं है हमारे पास, घर टूट गई, सामान खत्म, कोई ना चारा मेरा नहीं। ग्यारह सौ किलोमीटर चला है ये फ्लड, आपके नॉर्थ से शुरू होकर आपके समंदर तक ही आया है। शुरुआत इसकी अटाबाद लेक के हवाले से हो चुकी थी। अभी फ्लड जो था वो सबसे ज़्यादा केपीके में था, उसके बाद पंजाब में आना शुरू हुआ और फिर सिंध में गया। काम सबसे पहले हमारा केपीके में शुरू हुआ, वहाँ पर स्वात में वॉर ऑन टेरर के हवाले से वैसी बहुत डिस्ट्रक्शन हुई थी, और अभी हमने देखा था कि स्कूल बनने शुरू हो रहे थे, ब्रिजेस अभी बनने शुरू हो रहे थे, और कई जगहों पर रास्ते वापस खुलने शुरू हो गए थे कि ये फ्लड आ गया। किसी को कुछ नहीं पता था कि कौन किधर है कौन किधर है, इसमें कितनी फीमेल्स ऐसी थी हमारे अपने घर की फीमेल्स जो प्रेग्नेंट थी, उनको फिर ले जाया गया, जाहिर बात है नौशेरा के हॉस्पिटल्स भी आए हुए थे, जहांगीरा के भी, उन औरतों को लेके जाना इतने मुश्किल कच्चे रास्तों से, उनको पेशावर लेके जाना जो 8 और 10 घंटे में उनको पहुँचाया गया। जितनी भी मुस्लिम कैंप है ना, उनको 3-4 थी बेचारे के कैंप में डिलीवरी हुई है। मुसलमानों के इतने इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं ये खुदा के देन है, हम लोग उन्हें बंद नहीं करवाते। जो हमारी फाइंडिंग्स हैं कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन की ज़रूरत है उनकी तौलीदी सेहत के हवाले से। दूसरा, जब बच्चे प्री और पोस्ट नेटल केयर के मसाइल हैं जो ख़वातीन ने हमारे साथ शेयर किए हैं, उन ख़वातीन को हमने अलग से जो डिलीवरी किट्स है वो भी अब तक हम 15 ख़वातीन को दे चुके हैं, और आज भी कोई 15 किट्स जो हैं डिलीवरी के जो हम देंगे, ताकि उन ख़वातीन के बच्चे जब डिलीवर हों तो वो एक साफ़ सुथरे तरीके से वो डिलीवर हो सकें। बस इस तरह अब ये सोचे जो बच्चे भी कम पैदा करें, जो इतना ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, सामान अपना बचाते बच्चों के लिए जो बच जाए बच्चों के लिए, बस बच्चे कम पैदा करें तो ज़्यादा गम भी नहीं होगा। मेरे बच्चे जी 13 बच्चे हैं, वो सबसे बड़ा जो है ना 16 साल का है, तो बस बच्चे जो थोड़े हो तो मुस्तकबिल रोशन होगा। फैमिली प्लानिंग और ठीक करती है, इस पर अमल भी करती है, पहले तो नहीं करती थी, वो आलिम वगैरह का मसला हो जाता था, फिर कह रहे कि हमारे मज़हब इजाज़त नहीं देती थी। कैंपों में 2-3 खानदान रहते हैं ना, तो वो कहते हैं अगर काश हमारे बच्चे कम पैदा होते तो इतना मसला नहीं हो, इसलिए कि उसकी 3 बच्चे 4 2 बच्चे वो सैलाब ले कर बह गई, तो वो कह रही कि अगर ज़्यादा नहीं होती तो इस तरह तो नहीं जाते ना, ये जो एक है इस हाथ में पकड़ लेते तो दूसरे